नमस्कार, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने बीए की छात्रा का अपहरण कर ली और हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने घर से दूध लाने गई थी, इसी दौरान बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और एक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार काफी खोजबीन के बाद छात्रा का शव मकई के खेत में बरामद किया गया। 21 वर्षीय छात्रा अन्नु कुमारी डंडारी थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की रहने वाली है। अन्नु कुमारी नाम है। जिस हालात में मैं लाश को देखा, पूरा कपड़ा शरीर पर नहीं था। घर से दूध लेने निकली, जबकि 5 मिनट का भी वो उसमें दूरी नहीं है। तो मैं इंतजार करते करते मैंने ढूंढना शुरू किया, तो करीब 11:30 बजे तक जहाँ जहाँ मेरे कन्फ्यूजन था, जो यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ मैं गया। उसके बाद फिर सुबह ढूंढना शुरू किया हूँ। तो सुबह सरक तो रात को ढूंढा हूँ, और सुबह मैं खेतों में ढूंढना शुरू किया। तो खेतों में प्रवेश करते ही और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस घटना के संबंध में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये डंडारी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल जो है पुलिस के द्वारा जो आरोपी युवक है उसको गिरफ्तारी के लिए लगातार। लेकिन जितेंद्र, जिस हालत में शव बरामद किया गया है, आप गैंगरेप या रेप की घटना से भी इनकार नहीं कर सकती पुलिस? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि पहले लड़की के साथ रेप किया गया, उसके बाद युवक के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि रेप की पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल जो परिजनों के द्वारा क्या किसी पर हत्या की आशंका जाहिर की गई, क्या कोई परिजन आरोप लगा रहे हैं किसी पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गांव के ही लड़का राहुल नामक लड़का है, जो कि कई वर्षों से उस लड़की से मोहब्बत करता था, और मोहब्बत में जो है वो लगातार लड़की उसको समझाते बुझाते रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी लड़का मानने को तैयार नहीं है। लड़की का 21 फरवरी को शादी होना था, जिसको लेकर लड़का नाराज चलता था। इसको लेकर कई बार लड़की को टॉर्चर भी किया गया। लड़की ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि जो मेरे घर वाले कह रहे हैं उसी के अनुसार मैं शादी करूंगा। इसी से जितेंद्र, आखिरी सवाल यह है कि परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि परिजनों के जो मामला जो दर्ज कराया गया है, उसके अनुसार जो है पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। फिलहाल जो जिसको आरोपी बनाया गया है, जिस युवक को, उसके गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी आरोपी जो है पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। जी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखें जितेंद्र। तो आपको बता दें कि बेगूसराय की खबर है, जहां एक छात्रा का शव मिला है और शव जिस हालत में मिला है, उससे रेप के बाद की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।